हेलो फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल 2020 और आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स लेके मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहला है केयर्स, दूसरा है USCIRF, इनके और भारत के बीच में जो है थोड़ी टसल चल रही है इस समय। तीसरा है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग और चौथा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, इन चारों को हम देखेंगे। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं केयर्स से। केयर्स का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है COVID-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? COVID-19 यानी जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट हम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, यानी कैसे उससे लड़ेंगे, एक्टिव रिस्पॉन्स एक्टिवली कैसे उससे लड़ें, एंड और एक्सपेंडिचर यानी खर्च किस तरीके से हो। ठीक है, हम किस तरीके से कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने पैसे खर्च करें उसको लेकर के एक प्रोग्राम बनाया गया है, एक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है और वही उसी का नाम है केयर्स। तो केयर्स प्रोग्राम में कौन कौन दो एंटिटीज भाग ले रही हैं? एंटिटीज यानी संस्थाएं, एक तो संस्था है देश, एक भारत है, और दूसरा है ADB जो कि बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है और इन दोनों ने मिलकर के 1.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, करने वाले हैं। ठीक है, तो 1.5 बिलियन डॉलर की टोटल जो है एक इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत और एशियन डेवलपमेंट मिलकर के, और किस प्रोग्राम के तहत? केयर्स प्रोग्राम के तहत। तो आपको इसमें ये 1.5 बिलियन याद रखना है, इंडिया और ADB याद रखना है। उसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हैं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका कार्यालय मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है फिलीपींस देश है, साउथ चाइना सी से थोड़ा नीचे वहां पे इसका मुख्यालय है फिलीपींस में, और उस जगह का नाम है मनीला। मनीला में इसका मुख्यालय है। तो इसके बारे में बस इतना ही काफी है। अगर कहीं और न्यूज में कुछ दिखता है तो आप पढ़ लीजिए, बट नोट्स बनाने के लिए इतना ही काफी है। केयर्स के बारे में इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बाकी अगर आपको कहीं न्यूज में मिलता है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, फॉर योर क्यूरियोसिटी, अपनी इच्छा की वजह से, अपनी इच्छा से पढ़ सकते हैं आप उसको, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नोट करने की या कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। दूसरा है USCIRF, इसका एक फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यूनाइटेड स्टेट्स की ये संस्था है जो ये देखती है कि पूरी दुनिया में जो धार्मिक स्वतंत्रता है कहीं उसका हनन तो नहीं हो रहा। तो ये जो संस्था है इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, जो रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स है उसकी 2020 ईयर 2020 की रिपोर्ट जारी की है, और इंडिया को उसमें उसने क्या कर दिया है? रख दिया है, यानी भारत वो देश डाल दिया है उसने, भारत को उन देशों की लिस्ट में डाल दिया है जहां पे धार्मिक स्वतंत्रता का सीरियस हनन हो रहा है, काफी भयंकर हनन हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा उनका कहना है। ठीक है, और उन्होंने यूएस से यानी यूनाइटेड स्टेट से ये आग्रह भी किया है कि भारत पे ऐसी पाबंदियां लगाई जाएं जो रिलीजियस फ्रीडम को, जो लोग नहीं मानते या फिर रिलीजियस फ्रीडम जहां पे हनन होता है उन देशों पे जिस तरह के सैंक्शन लगाए जाने चाहिए एज पर रूल, वो सारे आप भारत पे लगा दो। तो इस वजह से भारत और इनके बीच में टसल चल रही है। भारत ने कहा कि कहाँ से तुमने डेटा लिया है और तुम्हारे जो डेटा है वो फैक्ट्स पे, कितने फैक्ट बेस्ड हैं, ये सब जो है तुम्हें बताना होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये सारी चीजें सिर्फ एक साइड से आपने देख करके कह दी हैं और आपने सारे एंगल्स से प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है। ठीक है, इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं। तो इंडिया इस लिस्ट में रखा गया है, लेकिन जब USCIRF किसी कंट्री को इस लिस्ट में रखता है तो उनके पास दो लिस्ट होती हैं। भारत को उसने रखा है CPC की लिस्ट में, एक लिस्ट होती है जिसका नाम होता है CPC, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी ऐसे देश जिनमें हालत गंभीर है, जहां जहां चिंताजनक है, तो उन देशों की लिस्ट में भारत को रख दिया है। चिंताजनक देशों की, जो चिंताजनक देश हैं उनकी लिस्ट में रख डाल दिया है भारत को। एक लिस्ट और होती है जिसको कहते हैं टियर 2 लिस्ट। टियर 2 लिस्ट वो होती है जहां पे चिंताजनक स्थिति है नहीं, चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, पिछले साल भारत को इसी में रखा गया था, टियर 2 में, यानी आपकी चिंताजनक स्थिति हो जाएगी, आप अभी चिंताजनक स्थिति में नहीं है, ये पिछले साल की लिस्ट में रखे गए थे टियर 2 में, और इस साल इनको डाल दिया गया CPC में, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, तो इसमें इतना ही काफी है। बाकी एडिटोरियल्स में आप देख लीजिएगा, ये रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इससे यही पूछा जा सकता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स है इनमें से कौन सी संस्था जारी करती है और भारत को किस कंट्री की लिस्ट में रखा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। बाकी अगर आप रिटन एग्जाम देखें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे कुछ एक एसे लिखने को आ सकता है कि इस तरह की जो चीजें हुई हैं इस साल, जैसे IOC ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के प्रति गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, फिर USCIRF ने कहा है, तो इन बातों से आपको क्या लगता है कि भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए इनके इनसे रिलेटेड एडिटोरियल, इनसे रिलेटेड जो आपके संपादकीय आते हैं, हिंदी में उसको संपादकीय कहते हैं, तो अगर आप
उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, कहीं से भी अगर आपको मिल जाए तो आप उसे पढ़िए, देखिए और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट या पॉइंट क्या उसको समझ लीजिए कि कौन सा बंदा क्या कहना चाह रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपसे मिस होते होंगे, आपको एडिटोरियल में मिल जाएंगे। तो वो पॉइंट अगर आपको लगता है कि नहीं याद रहेंगे, या फिर आपकी जो स्वाभाविक बुद्धि है वो उसको याद नहीं रख पाएगी, स्वाभाविक मस्तिष्क आपका नहीं याद रख पाएगा, तो आप उसे नोट कर लीजिए और बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम देखते ही जानते हैं, हाँ यार इस एंगल से मैंने नहीं सोचा, बट कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमारा उस एरिया में नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स को हमें लिखना पड़ता है जिस एरिया में हमारा नॉलेज नहीं था और पहली बार हमने उसको देखा और फिर हमने समझा कि हाँ ये इस जो नया नॉलेज मुझे मिला है उसके बेसिस पे ये भी एक एंगल हो सकता है, तो वो चीज़ हमें नोट करनी पड़ती है, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही काफ़ी है, इसका एडिटोरियल में जरूर देखिएगा क्या है। और तीसरा हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा है हमारा पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है क्या है, ये जर्मनी आयोजित करता है 2010 से। ठीक है, क्लाइमेट से आप जानेंगे होंगे, पर्यावरण को लेकर के है, तो पर्यावरण में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, पर्यावरण को हम किस तरीके से कम नुकसान पहुंचाएं, किस तरीके से हम धारणीय विकास यानी कि डेवलपमेंट भी करें और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी करें, इस तरह के प्रयासों को कैसे किया जाए, किस तरह की प्लानिंग की जाए कि ऐसे हम पर्यावरण को बचाएं और साथ में डेवलपमेंट भी होता रहे, तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, उनमें से एक है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। ये 2010 में शुरू हुआ था और वहाँ की जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर थी एंजेला मर्केल, उन्होंने इसको शुरू किया था। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2010 में शुरू हुआ था और एंजेला मर्केल के द्वारा शुरू किया गया था। और इस बार इसका कौन सी मीटिंग हुई है, इस बार इसकी 11वीं मीटिंग हुई है। 2010 से आप देखो, 2010 में भी हुई और 2020 है, तो 2010 से 2020 11वीं मीटिंग हो गई। तो 11वीं मीटिंग थी और ये पहली वर्चुअल मीटिंग थी, जो कोरोना वायरस की वजह से आप आमने सामने तो आ नहीं सकते फिजिकली, तो लोगों ने क्या किया कि वर्चुअल मीटिंग प्लेस, जैसे हम और आप बात करते हैं अगर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं तो वो वर्चुअल मीटिंग है हमारी और आपकी, ठीक इसी तरीके से पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भी इनका अपना सेटअप होता है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, टीवी पे हम दिखाई देते हैं, सामने वाला हमें दिखाई देता है, तो इस तरीके से ये मीटिंग आयोजित की गई है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इस बार आयोजित किया गया है, इसमें कुल मिला के 31 कंट्रीज हैं, ये भी याद रखिएगा, भारत उनमें से एक है, भारत भी है उसमें, तो भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस बार मेन मुद्दा इनका यही था किस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण में, ये जो हमारे यहाँ जो परिवर्तन हो रहे थे, क्या उसकी वजह से हो रहा है या फिर अभी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पर्यावरण के बारे में तो इस समय सोचना ही नहीं है, पर्यावरण ने तो खुद अपने आप को फिलहाल सही कर लिया है क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ रुकी हैं, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा। तो मेन थीम अभी COVID-19 थी, यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक से रिलेटेड बातचीत वहाँ पे हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो ये उनकी थीम थी इस बार की, थीम का कोई ऐसा नाम नहीं है, बस उनकी बातचीत का विषय यही था कि कोरोना वायरस को फैलने से कैसे और रोका जाए और किस तरीके से सारे देश जो 30 देश हैं भारत के साथ 31 देश हैं वो सब कैसे प्रयास करें, इसको लेकर के एक रूपरेखा उन्होंने तैयार की है। चौथा है, आखिरी है आज का, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है जिसका नाम है IEP। ठीक है, उसका नाम है IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, IEP ऑस्ट्रेलिया की है, ये बनाती है इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को, प्रिपेयर करती है। इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 7वीं रैंक दी गई है, यानी भारत 7वें स्थान पे है। ठीक है, पिछले साल भारत 8वें स्थान पे था, इस बार ये 7वें स्थान पे आ गया है। इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेकर के भारत में जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने एक शिकायत करी है इनसे, IEP से, इनसे कहा है कि आपने ये डेटा कहाँ से लिया है और किस आधार पर लिया है, आपके डेटा के हिसाब से भारत 8वीं पोजिशन पे तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे अफ्रीकी देश हैं जैसे बर्किना फासो हो गया और भी बहुत सी कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर जहां पे बहुत भयंकर आतंकवाद की वजह से जो प्रभावित हैं, ये वो देशों की लिस्ट होती है जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो जो आपकी बर्किना फासो है या जो दूसरी कंट्रीज हैं अफ्रीका की, वहां पे तो भारत से भी ज़्यादा बुरी हालत है, उनके नाम हमसे नीचे हैं या हैं ही नहीं, और आपने हमें जो है 7वीं पोजीशन पे डाल दिया है, तो ये कैसे है। तो भारत ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं इस चीज़ पे, इन्होंने भारत ने ये भी पूछा है कि तुम अपना डेटा लाते कहाँ से हो, और दूसरा ये भी पूछा है कि आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ है, आपको कौन फंड करता है, कौन पैसे देता है आपको। भाई कोई संस्था चल रही है तो कोई पैसे दे रहा होगा तभी तो चल रही है, तो कौन आपको फंड देता है, ये क्वेश्चन भारत ने पूछे हैं। भारत की रैंक 7वीं है, ये आप याद रखिएगा। इसका फर्क क्या पड़ता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का,
ये उन कंट्रीज की लिस्ट है जैसा मैंने बताया जो कि आतंकवाद से प्रभावित हैं। तो अगर किसी देश को आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में डाला जाएगा, अगर आपको पता चले कि एक गांव ऐसा है जहां पे बहुत लूटमार होती है, तो आप वहां जाना चाहेंगे, आप वहां रहना चाहेंगे, या आप वहां पे कोई दुकान खोलना चाहेंगे, कोई व्यापार अपना शुरू करना चाहेंगे? नहीं। ठीक वही हालत जो है दुनिया के केस में भी होती है। दुनिया में भी, दुनिया भी क्या है, एक ग्लोबल बाजार है। और उस जगह पे हमारे कुछ इलाके हैं, जैसे भारत एक देश हो गया, पाकिस्तान दूसरा देश हो गया। अगर भारत के बारे में ये इमेज बनेगी कि हाँ यहाँ पर आतंकवाद से प्रभावित देश है ये, तो कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेगा यहाँ? लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे यहाँ, कोई भी नया बिजनेस लगाने से डरेंगे। जब बिजनेस नहीं लगाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा? ठीक है, तो ये देश के विकास पे ऐसे इंडेक्सेस उल्टा असर डालते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है, कोई बड़ी कंट्री आना चाहती है, तो वो इन चीज़ों को देखती है कि कहाँ स्टैंड करता है भारत। कई चीज़ें देखते हैं, जब भी कोई व्यापार शुरू करता है तो केवल यही नहीं देखता वहाँ सुरक्षा कितनी है, वो ये भी देखता है कि वहाँ कितनी आसानी से हम व्यापार शुरू कर सकते हैं, कितने दिन लगते हैं जगह मिलने में, कितने दिन लगते हैं जगह मिलने के बाद उसके एनवायरनमेंट क्लियरेंस में कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। वहाँ पे जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या इन सब की जो स्क्रूटनी होती है, या आकर के जो आपका जो है चेक करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं चीज़ों की, हाँ आप जो है वैलिड हो, आप सही कर रहे हो नहीं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कितने देर में आपको ये कह देता है कि हाँ अब आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं बाकी कंट्रीज। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, और इसके अलावा जो भी ऐसे इंडेक्स जो कि व्यापार को शुरू करने में, इन्वेस्टमेंट को शुरू करने में प्रॉब्लम दे सकते हैं, उन सभी को कंसीडर करके ही कोई कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंडेक्स भारत की 7वीं कर दी गई है, 7वें रैंक पे कर दिया गया है, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। और भारत ने इसीलिए ये पॉइंट रेज भी किया है, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीके से भारत को 7वीं रैंक पे रखा गया है। तो इससे रिलेटेड भी रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट नहीं आएगा कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स ने भारत की 7वीं रैंक रखी है तो क्या होगा, ये चीजें हो सकती हैं कि भारत की जो छवि बन रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो जैसे भी बन रही हो, गलत हो सही हो, लेकिन जो छवि बन रही है कि भारत अपने यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहा, भारत के यहाँ, भारत में जो है भारत एक आतंकवाद से प्रभावित देश है, इस तरह की चीजों का भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस समय ही ये चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो चीजें काम आती हैं, आपका दिमाग लिंक करता है और आप वहां पे चीजें रख देते हो कि हाँ ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स ने ये कहा था और उन्होंने वो कहा था, तो भारत को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए थे और उनसे कहना चाहिए था, या भारत को अपनी बात रखनी चाहिए थी। जैसे कि भारत अपनी बात रख देता है तो वो बात सही होती है कि आपको अगेंस्ट में बोलना चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है, तो क्या स्टेप लेने चाहिए और इसका क्या असर पड़ सकता है, और भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, विदेश मंत्रालय की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप मेंशन कर देते हो। ठीक है, तो आज के लिए यही चारों टॉपिक थे, और इसके बाद कल मैं फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।